नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बैंकों ने ठुकराई विजय माल्या की 4000 करोड़ की पेशकश। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी कंपनियों की सितंबर तक उच्चतम न्यायालय में मौजूदा स्वरूप में 4000 करोड़ रुपए के भुगतान की पेशकश खारिज कर दी। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और आर एफ नरीमन की पीठ ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया। कंसोर्टियम ने उच्चतम न्यायालय से यह भी अपील की कि वह देश में माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करे ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वह बकाया भुगतान के संबंध में गंभीर है। पीठ ने अगली तारीख 26 अप्रैल तय की है। अरुण जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल को जमानत। अरुण जेटली मानहानि मामले में गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले में केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं को जमानत दी है। अदालत ने केजरीवाल को 20,000 के मुचलके पर जमानत दी। उल्लेखनीय है कि DDCA में कथित घोटाले पर बार बार जेटली का नाम उछाले जाने पर उन्होंने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं पर मानहानि का केस किया था। नीता अंबानी एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी। रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी को फोर्ब्स ने एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी करार दिया है, जो इस क्षेत्र की 50 प्रमुख उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर हैं। इस सूची में भारतीय 8 महिलाओं ने स्थान बनाया है। SBI की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरुंधति भट्टाचार्य को 2016 की एशिया की 50 शक्तिशाली महिला कारोबारी की सूची में दूसरा स्थान मिला है। इनके अलावा MU सिग्मा की मुख्य कार्यकारी अंबिका धीरज, बेल स्पेन इंडिया की मुख्य कार्यकारी दीपाली गोयनका, ल्यूपिन की मुख्य कार्यकारी विनीता गुप्ता, ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी चंदा कोचर, BLCC हेल्थ केयर की संस्थापक एवं उपाध्यक्ष वंदना लूथरा और बायोकॉन की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शाह को भी इस सूची में स्थान मिला है। फोर्ब्स ने 52 वर्षीय नीता को भारतीय उद्योग जगत की प्रथम महिला करार देते हुए कहा कि वह राजगद्दी की सबसे करीबी ताकत है और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी बढ़ती हैसियत के कारण इस सूची में पहली बार स्थान बनाया है। बर्नी सैंडर्स ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है हिलरी क्लिंटन। विस्कॉन्सिन में आयोजित महत्वपूर्ण प्राइमरी चुनाव में अपनी जीत से उत्साहित डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स ने डेमोक्रेट उम्मीदवार की शीर्ष दावेदार हिलरी क्लिंटन पर हमला तेज करते हुए कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। फिलाडेल्फिया में एक प्रचार रैली के दौरान सैंडर्स ने अपने समर्थकों से कहा कि ऐसा लगता है कि हिलरी थोड़ा घबरा गई हैं। हालांकि हिलरी के प्रचार अभियान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका की पूर्व शीर्ष राजनयिक हिलरी ने यह नहीं कहा कि सैंडर्स योग्य नहीं है। इसी बीच एक नए सर्वेक्षण में कहा गया कि सैंडर्स को राष्ट्रीय स्तर पर हिलरी पर थोड़ी बढ़त हासिल हुई है। डेलीगेट संख्या के मामले में अब भी हिलरी सैंडर्स से आगे हैं। बांग्लादेश में उदारवादी ब्लॉगर की हत्या। बांग्लादेश के एक उदारवादी ब्लॉगर की हत्या धारदार हथियार से बुधवार को कर दी गई। पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय कानून के स्नातकोत्तर छात्र नजीमुद्दीन समद की हत्या बुधवार रात ढाका में यूनिवर्सिटी की अपनी कक्षा से लौटते समय की गई। लोगों ने हत्यारों को अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और भागते हुए देखा। समद अन्याय तथा आतंकवाद का विरोध करने तथा उसके विरुद्ध लिखता था। उल्लेखनीय है कि संदिग्ध आतंकवादियों ने पिछले 5 वर्षों में धर्मनिरपेक्ष लेखकों तथा एक प्रकाशक की हत्या कर दी थी। इनमें एक बांग्लादेशी अमेरिकी लेखक भी शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।